गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के बीए पार्ट फर्स्ट का जो सोशियोलॉजी का पेपर है उसकी कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी और पेपर वन है ये। पेपर वन जो है समाजशास्त्र के सिद्धांत है। और पहली यूनिट से मैं दो वीडियो बनाऊँगा लगभग 10-10 मिनट की, और कोशिश करूँगा कि इसमें से आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाए, यानी 20 नंबर का भी और 10 नंबर का भी। तो पूरे वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। और आप लोगों ने जहाँ से भी पढ़ रखा है वहाँ से आप लोग पढ़ते रहे। ये दोनों ही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से तीन क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, और पहला क्वेश्चन जो है जो बनता है समाजशास्त्र का अर्थ, और प्रकृति यानी नेचर एंड मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। और इसके साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनती है वो यह है कि रिलेशनशिप विद द अदर सब्जेक्ट, यानी अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। लगभग 8-10 मिनट का वीडियो होगा और अगले वीडियो में जो है इसका सेकंड सेक्शन यानी जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है भाई? बेसिकली कोई भी विषय जो इसको समाज, देखिए समाज विज्ञान के अंतर्गत कितनी चीज़ें आती हैं, सोशल साइंस का एक हिस्सा है ये। तो समाज, सामाजिक विज्ञान और सामान्य सामाजिक विज्ञान दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी वास्तव में है क्या, तो इसको लेकर के हम लोग बात करें तो समाजशास्त्र समस्त मानव की अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। ये एक बहुत कॉमन परिभाषा दी जाती है, दुर्खीम ने जो दी थी। मैकाइवर ने कहा कि सामाजिक संबंध जो है मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो ये कुछ बहुत सिंपल सी परिभाषाएं हैं जो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। इसमें खास बात यह है कि एक तो देखिए समाजशास्त्र के जनक कौन है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो समाजशास्त्र के जनक ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो ऑगस्ट कॉम्टे जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। और जब समाजशास्त्र की आप लोग डेफिनेशंस देते हो तो परिभाषाओं के आधार पर जो है सोशियोलॉजी को चार भागों में बांटते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन चारों भागों को परिभाषाओं के आधार पर समाजशास्त्र की जो है चार श्रेणियाँ होती हैं। एक तो समाजशास्त्र, इनको आप लोग नोट कर लें, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विशिष्ट अध्ययन है, और दूसरा समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, और तीसरा जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। ये जो है परिभाषाओं के आधार पर सोशियोलॉजी को एक प्रकार से इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो ये जो है समाजशास्त्र की चार श्रेणियां हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। अच्छा, अब इन डेफिनेशन में से आप मेरे हिसाब में कोई दो डेफिनेशन किसी के अनुसार याद कर लेना, जहाँ से कि आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में है क्या। अब एक जो चीज़ है जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, देखिए सोशियोलॉजी पहले सामाजिक विज्ञान थी, सामाजिक विज्ञान का ही हिस्सा रही है, और इसको अलग विषय के रूप में जो है अगस्त कॉम्टे ने शुरू किया है। और इसीलिए जो है अगस्त कॉम्टे ने स्थापना की है, इसीलिए उनको 1838 में से जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब एक चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना ये चाहूँगा कि नेचर ऑफ
सोशियोलॉजी। अब किसी भी विषय की जब आप प्रकृति की बात करते हो या ये नेचर यानी प्रकृति की जब हम लोग बात करते हैं तो दो दो दृष्टिकोण निकल करके आते हैं। क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? तो समाजशास्त्र एज ए सोशियोलॉजी साइंस, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, और समाजशास्त्र कला के रूप में। तो दो जो एस्पेक्ट हैं इसके वो निकल करके आते हैं। अब देखिए, जब विज्ञान की बात करते हैं तो कारण परिणाम संबंध होता है, कॉज रिजल्ट इफेक्ट। तो कारण परिणाम संबंध, और यदि हम लोग कला की बात करें तो किसी कार्य को बेहतर तरीके से करना, किसी कार्य को बेहतर तरीके से करना। तो ये दो दृष्टिकोण है। अब जो देखिए साइंस में क्या होता है, कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे क्रमबद्ध अध्ययन होता है, कारण परिणाम संबंध होते हैं। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इसी तरीके से लिखने हैं। इसके अतिरिक्त एक आध चीज़ें और होती हैं, जैसे भविष्यवाणी पॉसिबल होती है ना, तथ्यों का वर्गीकरण होता है और अवलोकन होता है, अवलोकन होता है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। अब ये मैं आप शब्दों को सुन लीजिए, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं क्योंकि इसका अध्ययन क्षेत्र समाज है तो इसकी भविष्यवाणियाँ उतनी सक्षम नहीं होती, सिद्धांत उतने लागू नहीं होते, जटिलता होती है, तो इस कारण कई बार इसको इसकी अपनी सीमाएँ होती हैं। तो समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? देखिए वैज्ञानिक अध्ययन तो ये करता है, लेकिन समाजशास्त्र विज्ञान कैसा है? तो ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ये कैसा विज्ञान है? प्राकृतिक विज्ञान ना होकर के कैसा है? सामाजिक विज्ञान है। और कला में चूंकि हम लोग समाज को पहले से बेहतर करने का प्रयास करते हैं, कुरूतियों को दूर करते हैं, तो वो विशेषताएं भी सोशियोलॉजी की होती है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकालोगे? कला भी है और विज्ञान भी। तो ये क्वेश्चन इसके प्रकृति का हो गया। तो दोनों चीज़ें एक साथ आप लोगों ने पढ़ ली कि समाजशास्त्र जो है क्या है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों से क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान, तो अब इसमें क्या है? देखिए सभी सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो मानव से संबंधित है, मानव की अंतःक्रियाओं से संबंधित है, अंतर्क्रियाओं से रिलेटेड है। तो जब मानव की क्रियाओं से रिलेटेड है तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, व्याख्या करने में, पढ़ने में, अनुमान लगाने में, सब में सहायता करती है। तो अब जैसे देखिए सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी दोनों का बहुत संबंध है। अब अलग अलग आप इनको थोड़ा थोड़ा इनमें देख लेना, समाजशास्त्र एवं क्योंकि मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र क्या होता है जिसमें मानव की उत्पत्ति और उससे रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं, फिर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और यदि आगे बढ़े तो ये बहुत सिंपल है, समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, तो इसके साथ भी गहरा संबंध है। और यदि हम लोग आगे बढ़ें तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, तो उसके साथ भी गहरा संबंध है। अब इनको इनके इनके में थोड़ा थोड़ा सा यदि आप लोग पढ़ लोगे तो आपके लिए काफ़ी रहेगा ये। और समाजशास्त्र और इतिहास एवं इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल, इनके साथ आपको इनके रिलेशन शो करने हैं। और समाजशास्त्र और एथिक्स यानी नैतिक शास्त्र, समाजशास्त्र एवं नैतिक शास्त्र, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यदि आप लोग देखोगे तो आपके काम आएंगी। और मेरे सामने ये पर्याप्त भी है, अगले वीडियो में मैं इस यूनिट को कम्प्लीट कर दूँगा। और बच्चों आप खुद ही इसको शेयर कर देना क्योंकि मेरे पास शायद इतना समय नहीं रहेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, शुभकामना।